हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर आप मेरे साथ सीख रहे हैं टेंथ स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री ज्योमेट्री के अंदर 5.2 जो है इसके क्वेश्चन नंबर वन टू हमने किए थे बेसिक सीखे थे आज हम लोग इसके आगे का पोर्शन सीखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद का तो चलो शुरू करते हैं सो हेलो स्टूडेंट्स हम लोग ज्योमेट्री सीख रहे हैं टेंथ स्टैंडर्ड का इसमें चैप्टर नंबर फाइव जो है हमने कंटिन्यू किया था 5.1 कंप्लीट किया था 5.2 में क्वेश्चन नंबर वन एंड टू कंप्लीट हो गया था एंड इसका जो 5.2 का बेसिक लेक्चर था उसके अंदर आपने देखा था सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रॉइड फार्मूला ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है 5.2 के लिए मैंने दो लेक्चर अभी तक लिए हैं जिसमें पहले लेक्चर में पूरा बेसिक बताया था दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर वन एंड टू कंप्लीट किया था हमने आज हम लोग 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर थ्री ऑनवर्ड्स देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक अपने पास रखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन नहीं समझेगा तो कुछ नहीं समझेगा क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी डिड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू समझने की कोशिश करो देर इज अ लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर माइनस थ्री कामा टेन एंड क्यू सिक्स कामा माइनस एट नाउ फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी डिड्स दिस लाइन सेगमेंट एक पॉइंट टी है

तो एम एस टू एन इस रेशियो में डिवाइड करता है इन प्रीवियस क्वेश्चन इट वॉज गिवेन पहले के क्वेश्चन में दिया हुआ था एम एस टू एन की वैल्यू दी हुई थी बट ही वी हैव टू फाइंड एम एस टू एन हम लोगों को पता करना है कैसे करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कंसिडर करो p p इज वॉट माइनस थ्री कॉमा टेन एंड इसको एक्स वन वाई वन कंसिडर करना फर्स्ट पॉइंट को और ये जो सेगमेंट का दूसरा पॉइंट है क्यू सिक्स कॉमा माइनस एट कंसिडर दैट एक्स टू कॉमा वाई टू ऐसे ले लेना एंड ये जो पॉइंट है ना ये डिवाइड कर रहा है टी उसको क्या करते हैं याद है ना ये एक्स कॉमा वाई होता है बीच वाला पॉइंट कभी भी याद रखो एक्स कॉमा वाई होता है दिस इज एक्स कॉमा वाई ये मिड ये इंटरनल पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है एंड वी हैव टू फाइन एम एस टू एन एम एस टू एन कितना ना बाई डिविजन बाई सेक्शन यू नो दैट सेक्शन सेक्शन में हम लोग x और y दोनों के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं बट किसी एक के लिए फार्मूला यूज़ करो सो लेट अस यूज x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन है ना और y इज इक्वल टू होता है तो x और y दोनों में से किसी एक के लिए ही फार्मूला यूज करना क्योंकि हमको रेशियो निकालना जब भी रेशियो निकालना होगा तो कोई एक ही लेने का वाई का करो या तो एक्स का करो नो वॉट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम यर एक्स देखो पहले एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एम एम वी डोंट नो इंटू एक्स टू एक्स टू इज सिक्स सब वैल्यू सब्सटीव्यूट करो एन वी डोंट नो एक्स वन एक्स वन कितना है माइनस थ्री एम और एन नहीं पता उसकी जगह पर एम और एन ऐसे ही रखना ना आफ्टर दिस ये जो एम प्लस एन है वो इस साइड आएगा माइनस वन से मल्टीप्लाई सो माइनस वन इंटू एम प्लस एन माइनस वन इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू ये जो है ये सिक्स एम हो गया और माइनस थ्री इंटू एन क्या हो जाएगा माइनस थ्री एन माइनस थ्री एन नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप देखो ये माइनस वन है इसका मल्टीप्लाई आगे करो एम और एन में माइनस वन इंटू एम माइनस एम माइनस वन इंटू एन माइनस एन इज इक्वल टू ये क्या है सिक्स एम माइनस थ्री एन सिक्स एम माइनस थ्री एन नौ ये माइनस एम है इसको यहीं पर रखो सिक्स एम को इस साइड लाओ है ना एम के पास एम को लेके आओ तो ये प्लस है इसके पहले कुछ नहीं है तो ये प्लस है बाद में नहीं देखना इसके पहले क्या है कौन सा साइन है कुछ नहीं है, तो प्लस है, तो प्लस है। तो ये इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा सिक्स एम यहाँ पर देखो माइनस थ्री एन है ये माइनस एन को उस तरफ लेके जाओ राइट हैंड साइड तो ये प्लस एन हो जाएगा माइनस एन है ना जाके प्लस एन हो गया ठीक है एम वाले को एम वाले के साथ लाओ एन वाले को एन वाले, वाले के पास लेके जाओ ना माइनस एम माइनस सिक्स एम माइनस सेवन एम माइनस थ्री एन प्लस एन माइनस टू एन देखो थ्री और वन थ्री में से वन गया तो टू और एन का एन रखना थ्री बड़ा है उसका साइन माइनस दोनों माइनस है तो ऐड कर दिया माइनस वन एम माइनस सिक्स एम तो माइनस माइनस होगा तो ऐड करते हैं ठीक है माइनस वन माइनस सिक्स माइनस सेवन और एम को एम रखा दोनों साइड का माइनस कट कर दिया नाउ एम ये सेवन इंटू एम है एन को इस तरफ लाओ एम अपॉन एन यहाँ पर टू है ये सेवन को उस तरफ लेके जाओ राइट हैंड साइड ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया सेवन ये एन मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड हो गया डिवाइड मतलब अपॉन में आया एम अपॉन एन क्या आया टू इज टू सेवन तो इसको अपॉन को इज टू लिखो टू इसवन क्या निकालना था देखो यही पूछा था वर्ट इज रेशियो ओके रेशियो पूछा था एम इज टू एन वो आ गया ओके फाइनली यू विल राइट एच पर क्वेश्चन क्या लिखना है देखो देअ फोर पॉइंट टी पॉइंट टी डि सेगमेंट पी क्यू डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन दी रेशियो इन दी रेशियो कौन सा रेशियो आया टू इज टू सेवन ये हो गया चलो इसको कॉपी करो ये सम हो चुका है क्वेश्चन नंबर थ्री आगे का क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या है देखो पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज डायमीटर ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर फोर करने जा रहे हैं हम लोग देर इज अ सर्कल लाइक दिस एक सर्कल है और एक डायमीटर है और उसके ऊपर एक सेंटर है पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज अ डायमीटर ये जो ए बी है ये डायमीटर है ओके okay, डायमीटर है फाइन द कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इफ कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड पी आर पॉइंट ए कार्डिनेट दिया टू कॉमा माइनस थ्री एंड पी कोआर्डिनेट्स माइनस टू कॉमा जीरो द कॉर्डिनेट्स ऑफ बी ये बी के कॉर्डिनेट्स कितने आएंगे वो पता करना एकदम ध्यान से देखना फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसिडर पॉइंट ए टू कॉमा माइनस थ्री एंड आफ्टर दैट पॉइंट बी विच इज नॉट गिवेन एंड पॉइंट पी इज गिवेन माइनस टू कॉमा जीरो ये जो सेगमेंट ए से बी है ना ए टू बी ये सेगमेंट ए और बी ये एक्स वन वाई वन होगा ये एक्स टू वाई टू होगा ये जो बीच में होता है ये एक्स वाई होता है ये जो पी डिवाइड कर रहा है ना पी दोनों को तो ये एक्स कॉमा वाई हो गया पहला पॉइंट ए है ना उसको एक्स वन वाई वन कंसिडर करना और ये जो बी दूसरा पॉइंट है वो दिया नहीं है वो एक्स टू वाई टू है हमारा वो क्या है हमारा एक्स टू वाई टू उसकी वैल्यू फाइंड करनी है अभी देखो ये डायमीटर है ए बी इज अ डाय एंड पी इज अ सेंटर सो ये क्या हो जाएगा रेडियस रेडियस एंड बोथ द रेडिया विल बी सेम मतलब क्या अगर ये रेडियस थ्री सेंटीमीटर है तो ये भी रेडियस थ्री सेंटीमीटर हो इसका मतलब क्या ये जो सेंटर है यह डायमीटर को डिवाइड करता है दो इक्वल हाफ में इसका मतलब ये जो सेंटर है वो मिड पॉइंट है ओके सो आई विल राइट पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी सेग ए बी का मिड पॉइंट है देर फोर बाई मिड पॉइंट फार्मूला देर फोर बाई मिड पॉइंट फार्मूला नाव यू विल अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू इस तरह से करना है सो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस टू और एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन कितना है देखो टू X2, X2 is टू इज नॉट नोन अन नोन पता नहीं उसकी जगह X2 टू रखो अपॉन टू एंड सिमिलरली हियर Y इज इक्वल टू वाई कितना है देखो जीरो Y1, Y1 ये रहा माइनस थ्री प्लस Y2, Y2 वी डोंट नो y2 टू एंड अपॉन टू अब इसको सॉल्व करना है? क्या किया हमने ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूले के अंदर X1, X2, X जो है यहाँ से X1, अरे X1, X2 और ये X, X कॉमा है ये ये सबकी वैल्यू सब्सट्रीब्यूट कर दिया मिड पॉइंट फॉर्मूले में अब सॉल्व करके ये एक्स टू वाई टू निकालो एक्स टू वाई टू आया मतलब बी आ गया ये जो बी है दैट इज़ एक्स टू एंड वाई टू सो क्या आएगा देखो ये टू है ना यहाँ डिवाइड हो रहा इस है इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा टू इंटू माइनस टू माइनस फोर टू टू जब फोर ओके इस तरह से इज इक्वल टू टू प्लस एक्स टू एंड यहाँ पर देखो क्या होगा टू इंटू जीरो डिवाइड हो रहा है ना यहाँ के जीरो मल्टीप्लाई हो गया जीरो से ज़ीरो इंटू टू जीरो माइनस थ्री प्लस वाई टू अब देखो ये एक्स टू यहाँ पर ही रखो ये टू प्लस इस तरफ आएगा माइनस फोर माइनस टू हो गया और यहाँ पर देखो एंड जीरो माइनस थ्री इस तरफ आया तो प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई टू फाइनली एक्स टू इज इक्वल टू माइनस फोर एंड माइनस टू बिकम्स माइनस सिक्स दोनों निगेटिव होगा तो ऐड कर दे फोर और टू सिक्स एंड ग्रेटर नंबर फोर है माइनस एंड वाई टू क्या आ गया देखो वाई टू इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री थ्री आ गया सो दिस इज वाई टू टू छोटा सा लिखना चाहिए ऐसे So, ये हो गया एक्स टू वाई टू आ गया देर फोर दी एंड बीज इक्वल एंड टू माइनस सिक्स पहले एक्स टू लिखना देन वाई टू लिखना 3. ये point, point B आ गया. हम लोग को इसके अंदर जो बी पॉइंट फाइंड करना था डायमीटर का दूसरा एंड वो आ गया तो मिड पॉइंट फार्मूला हमने यूज किया बहुत ही आसान है इसको कॉपी करो नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी ऑल्सो फाइंड के अगेन देर इज अ सेगमेंट ए बी देखो ए बी सेगमेंट है याद रखना सेगमेंट ए बी है एंड ए इज वॉट एट कॉमा नाइन एंड बी इज गिवेन वन कामा टू एंड देर इज अ पॉइंट विच पी विच इज पी के कॉमा सेवन दिस पॉइंट पी डिवाइड द सेगमेंट सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड के वैल्यू तो जो ये एम इज टू एन था ना वो पता नहीं है वो फाइंड करना है अभी क्वेश्चन नंबर थ्री में किया था वैसे ही करना सो हाउ विल यू डू दैट सबसे पहले क्या करोगे देखो सबसे पहले ये जो ए है वो लिख दो एट कॉमा नाइन देन राइट बी पॉइंट वन कामा टू ये जो पहला ये एट अच्छे से लिखो एट ओके okay. जो पहला पॉइंट है इसको हमेशा एक्स वन वाई वन करना देखो वैसे ही ये सारे स्टेप दूसरा जो है एक्स टू वाई टू करना ये जो बीच में डिवाइड करता है पॉइंट उसको भी लो पी के कॉमा सेवन ये हमेशा एक्स और वाई होता है ओनली एक्स एंड वाई ये होता है देखो अभी इसके अंदर दो चीज़ करना है एक तो हमको एम इज टू एन फाइंड करना है दूसरा के की वैल्यू फाइंड करना है तो अब ये जो के है ना के अनन नोन है और एक्स की वैल्यू है सो so, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एंड आपको पता है सेक्शन फार्मूला एक्स के लिए भी होता है और वाई के लिए भी होता है बट एक्स के लिए अगर सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो उसमें के आता है के इज़ अननोन सो हम लोग क्या करते हैं वाई के लिए सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं क्योंकि वाई की वैल्यू पता है सो so, वाई का फॉर्मूला क्या होता है एम इन वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन है ना ऐसे एक्स का भी फॉर्मूला होता है वो भी अभी यूज करेंगे हम लोग so, सब तो सबसे पहले वाई का फॉर्मूला फार्मूला वाई कितना है सेवन सो सेवन इज इक्वल टू एम न वाई टू वाई टू इज टू प्लस एन वाई वन वाई वन इज नाइन अपॉन एम प्लस नाइन सो क्या आएगा देखो ये एम प्लस एन सेवन के पास आ गया सेवन इंटू एम प्लस एन टू इंटू एम नाइन इंटू एन टू इन टू एम प्लस नाइन इंटू एन सेवन अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा सेवन इंटू एम सेवन एम प्लस सेवन एन इज इक्वल टू टू एम प्लस नाइन एन टू एम को यहाँ पर लेके आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस टू एम है इस तरफ आके माइनस टू एम हो गया ये नाइन एन है सेवन एन उस तरफ गया तो माइनस सेवन एन सेवन एम में से टू एम गया तो फाइव एम और नाइन एन में से सेवन नाइन में से सेवन गया तो टू एन सो एम ये इंटू एन को इस तरफ लाओ अपॉन पॉन एन हो गया ये टू फाइव उस तरफ गया अपॉन फाइव सो एम इज टू एन आ गया आपको टू इज टू फाइव आ गया देखो एम इज टू एन की वैल्यू क्या मिल गई टू इज टू फाइव बहुत ही आसानी से मिली बट याद रखना है कि यहाँ पर सेक्शन फार्मूले में एक्स और वाई दोनों फार्मूले होते हैं यहाँ पर मुझे वाई का फार्मूला यूज़ करना पड़ा टू इज टू फाइव आ गया अगर मैं एक्स का फार्मूला यूज़ करता तो के अननोन है और हम लोगों को, को इस क्वेश्चन में बोला है के की वैल्यू भी फाइंड करो तो कैसे करोगे सो यू विल अगेन अप्लाई ऑल्सो एक्स फॉर्मूला अब ये जो वाई फॉर्मूला यूज किया था ना यहाँ पर एक्स लो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन नाउ एक्स वैल्यू इज वॉट एक्स वैल्यू क्या है देखो के के और एम एम देखो एम और एन की वैल्यू आ गई अभी एम इज टू एन इज फाइव एम टू एक्स टू एक्स टू देखो यहाँ से एक्स टू इज वन प्लस एन एन इज यर एन इज फाइव एंड एक्स वन ये देखो ये एक्स वन है एक्स वन एट है एंड अपॉन एम प्लस एन एम प्लस एन कितना है टू प्लस फाइव इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो के इज इक्वल टू टू प्लस फाइव एट जा फोर्टी अपॉन टू प्लस फाइव सेवन के इज इक्वल टू फोर्टी टू अपॉन सेवन के इज इक्वल टू सेवन सिक्स ज फोर्टी टू ओके ये आ गया के की वैल्यू तो आपको एम इज टू एन निकालना था वो भी हो गया ये के की वैल्यू हो गई एक्चुअल में सेक्शन फार्मूला में हमारे पास एक एक्स का फार्मूला होता है एक वाई का फार्मूला होता है मैंने दोनों को यहाँ पर यूज़ किया है अगर सिर्फ एम इज टू एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो कोई एक फार्मूला यूज कर सकते हैं बट यहाँ पर ही जो एक्स था वो के था अननोन था इसलिए मैंने एक्स का फार्मूला स्टार्ट में यूज नहीं किया वाई की वैल्यू पता थी सेवन इसलिए वाई का फार्मूला यूज करके पहले एम और एन का रेशियो निकाला देन वो रेशियो यूज़ करके हमने एक्स का फार्मूला लगाया और वहाँ पर जो के आया वो अननोन वैल्यू आ गया ठीक है चलो इसको कॉपी करो अगला क्वेश्चन देखते हैं तो स्टूडेंट्स आपने देखा कितना आसान है ये कंसेप्ट यहाँ पर जो सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके आपको करना है आपको सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रोइड फार्मूला इस तीन जो फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट उसको याद रखो आप कर लेंगे स्टूडेंट्स आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ने, बाय